कहाँ है इंडियन फैंस? ग्राउंड तो खाली है। नहीं तो टिकटे कहाँ की बुक कराएं? अरे ये मैच तो आपको मालूम था, पहले कल में था ये मैच तो पहले। भाई जो 2 तारीख को, एक मिनट, अब मैं पूछना चाहता हूँ इंडियन फैंस से, 2 तारीख को इंडिया पाकिस्तान देखने जो गए हैं वो इंडिया से गए, तो एक दिन और रुक के 4 तारीख को नेपाल का मैच नहीं देख सकते थे? कहाँ के क्रिकेट फैन हुए फिर? मतलब आप उनको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखने के लिए जाना है? हो सकता है। तो इंडिया नेपाल, तो फिर आप क्रिकेट नहीं है ना, आप क्रिकेट के शौकीन तो नहीं है? इंडिया पाकिस्तान आपको आप सिर्फ ग्लैमर के शौकीन है? नहीं ग्लैमर कैसे है? जो मैच देखने जाते नेपाल का, एक इंडिया पाकिस्तान मैच, आप एशिया कप क्यों जा रहे हैं कवर करने? अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता, पाकिस्तान नहीं खेल रहा होता, तो आप जाते? ये कोई बात नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पाकिस्तान खेल रहा था। नहीं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं, वर्ल्ड टाइटल जिम्बाब्वे के भी दौरे किए हुए। नहीं वो बात, वो तो दिन गए। अब मैं वैसे बता रहा हूँ, अब वो है कि भाई लोग चाहते हैं कि नहीं, इट्स अ फैक्ट। मैं आपका जवाब ऐसे दे सकता हूँ कि मैं वहां पे मैच कवर करता 2 तारीख को, निखिल नाथ 2 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का कवर करते, और आज वो होटल में बैठे होते 4 तारीख को। वो कहते हैं इंडिया वर्सेस नेपाल, मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये अगर पाकिस्तान यहां पे नहीं खेल रहा होता इस टूर्नामेंट में, ये टूर्नामेंट कवर एशिया कप पे क्यों नहीं खेल रहा होता पाकिस्तान? इनकेस मैं बोल, क्योंकि शायद एशिया कप भी ना हो रहा होता सर। कम ऑन, आपने इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच क्यों रखे? एक मिनट, इंडियन क्रिकेट बिकती है, इंडियन क्रिकेटर बिकता है, तो इंडियन क्रिकेटर आज नहीं खेल रहा? आप मैं सिंपल बीसीसीआई पीसीबी सब बेच रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को। यार आप बात ही कुछ और कर रहे हैं, वो 50,000-10,000 लोग तो भर दो आज। फैंस देखिए कैसे झूम रहे हैं आज। आज इंडियन फैंस कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नेपाल के फैंस बेचारे, जिसकी जेब इतना पैसा होगा उतना, जिसकी जेब में पैसा होगा। आप कहते हो पैसा इंडियन क्रिकेट चलाता है, तो आप कह रहे हो कि आज फैंस, आज आपका आज तक पे शो हुआ? अरे बिल्कुल हुआ। कितने बजे हुआ? 2:30 से 3 हुआ। पिछले मैच में कितने बजे हुआ था? पिछले मैच 2 से 3 से हुआ था। सिंपल, तो पिछले मैच में 40,000 लोग थे, आज 4,000 लोग भी नहीं है वहाँ पे। क्यों? इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप मुझे क्वांटिफाई करके बताइए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपने आज 2 बजे क्यों नहीं किया शो? आप स्पोर्ट्स तक पे आज बैठे हैं, वॉच पार्टी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहा नेपाल का मैच है आज, मनोज छुट्टी ले लेते इंडियन क्रिकेट फैन कहाँ है भाई? वेर इज द इंडियन क्रिकेट फैन? बट इंडियन क्रिकेट फैन को जो बुक माई शो से परेशान है, वहां पर यार यहाँ कोई बुक माई शो नहीं है। वैसे कह रहा हूँ, अगर हम फैंस का इतना ही सोच रहे हैं, तो जो बुक माई शो पे फैंस का 80-90% जो फीडबैक मिला है, उनका मानना है कि फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, कोई इशू हो रही है क्लेरिफिकेशन, कोई किसी तरीके से चाहे बुक माई। विक्रांत गुप्ता सर रिएक्शन इंडिया और नेपाल के मैच का। जी हाँ दोस्तों, बोल रहे हैं कि पिछले शो में 40,000 ऑडियंस थी, लेकिन अभी इंडिया का जो नेपाल का मैच हो रहा है उसमें 10,000 भी ऑडियंस नहीं पहुंची। कहाँ है इंडियन फैंस? क्या इंडियन फैंस सिर्फ ग्लैमर के शौकीन है? इस तरह से वो अपने जो फ्रेंड्स से उनसे पूछ रहे हैं, कहाँ है इंडियन फैंस? इंडियन फैंस नहीं, क्या आप मैच स्पोर्ट्स इसलिए बैठे हैं क्या? आप इंडिया और नेपाल का मैच कवर नहीं कर रहे? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।